प्रदेश के फरार हुसैन और रश्मि हजारीबाग में धराए। प्रेमी है मजदूर तो प्रेमिका ने किया है MBA। उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर से फरार हुए युवक युवती को पुलिस ने अंततः कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार की देर रात हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के भेरवा दाड़ी गांव से बरामद कर लिया है। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश यादव ने बड़का गांव थाना पुलिस के सहयोग से उक्त गांव में अपने पैतृक घर में छिपे आरोपित युवक हैदर व युवती को बरामद कर लिया है। दोनों को बरामद करने के बाद शुक्रवार की सुबह सीधे हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया। युवक पुलिस की टीम मजिस्ट्रेट के समक्ष युवती का 164 का बयान दर्ज कराना चाह रही थी, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण युवती का बयान दर्ज नहीं हो सका। रश्मि सोनी ने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि उसने 4 माह पहले हैदर हुसैन के साथ शादी कर ली है। दोनों बालिग हैं, 4 महीने से लगातार दोनों साथ साथ हैं। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। युवती के पिता हजारीबाग में ही टीम के साथ हैं। अब शनिवार को बयान दर्ज कराए जाने की तैयारी है। रश्मि MBA तो लड़का है मजदूर, आइए जानते हैं इनकी कहानी। रश्मि और हैदर को उत्तर प्रदेश पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। दोनों के प्रेम संबंध की कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। लड़की MBA है जबकि लड़का मैट्रिक की पढ़ाई कर मजदूरी करता है। इन दोनों के बीच के संबंध को पारिवारिक तौर पर मंजूरी नहीं मिल पाई है, इस वजह से लड़की के स्वजनों ने उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने की पूछताछ। गुरुवार की देर रात तक यूपी पुलिस आरोपित युवक हैदर के मौसेरे भाई आफताब सहित अन्य 4 लोगों को कुजू ओपी क्षेत्र के बरकट्टी के हिरासत में लेकर गहन पूछताछ करती रही। इस आधार पर कुजू के एक मकान में भी हैदर के अस्थायी आवास पर छापेमारी की गई, मगर इसके पहले ही हैदर युवती को लेकर वहां से फरार हो चुका था। देर रात छापेमारी में दोनों पकड़ लिए गए। विदित हो कि फरार युवक युवती को गिरफ्तार करने पहुंची यूपी पुलिस टीम पर बेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के भेलगढ़ा मस्जिद के पास ग्रामीणों ने हमला बोल दिया था। इसमें पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके चालक व एक महिला पुलिसकर्मी को चोट लगी थी। भीड़ ने हैदर हुसैन को पुलिस के चंगुल से मुक्त भी करा लिया था। झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।